ओके आज का जो लेसन है हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसकी जो हमारी आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की चैप्टर नंबर 2 का जो टाइटल है वो है हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉन्टेक्स्ट। इसको हम इंशाल्लाह डीपली अंडरस्टैंड करेंगे ये क्या होता है और इसके अंदर जो की कॉन्सेप्ट है जो आज हम डिस्कस करेंगे वो यहाँ पर आउटलाइन में दिखाए गए हैं। ठीक है, व्हाट इज द सिस्टम व्यू ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, थ्री स्फीयर मॉडल ऑफ द सिस्टम मैनेजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स एंड स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। तो कोशिश होगी तो आज इन चार जो हमारे पास मेन आउटलाइंस हैं इनके ऊपर डिस्कस करें जो कि चैप्टर नंबर 2 में आती हैं हमारी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑब्जेक्टिव्स के इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। सो देर आर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स लाइक अंडरस्टैंड द सिस्टम व्यू ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड हाउ इट अप्लाइज इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट। ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव है, इनको आप खुद भी रीड आउट कर सकते हैं, ये हमने ना तो याद करने, यानी कि ये आपको बता रहे हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम ये चीजें ये बातें करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द सिस्टम्स व्यू ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो सिस्टम व्यू है वो क्या होता है। तो अ सिस्टम व्यू ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है एक्चुअली, इनको मैंने अब कोशिश करके आपके लिए ये पीडीएफ ही प्रिपेयर करूंगा क्योंकि ये आपका थ्योरेटिकल है तो स्लाइड में बिल्कुल शॉर्ट चीजें होती हैं, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा रीडिंग का भी आपको मौका मिलेगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा बेटर हो जाए। ठीक है, इसलिए कुछ कुछ थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ब्रीफली कंप्रिहेंसिवली इन कुछ चीजों को ऐड किया है ताकि हमें उसकी हाउ नो को मतलब के बेटर अच्छे तरीके के साथ अंडरस्टैंड करने में मौका मिले। सो लेट्स स्टार्ट विद द सिस्टम्स व्यू ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के में जो है सिस्टम का व्यू क्या होता है, कहते हैं इवन दाओ प्रोजेक्ट्स आर टेम्परेरी। ये मैं पता है कि प्रोजेक्ट टेम्परेरी होते हैं, कहीं से वो स्टार्ट होते हैं, कहीं पे वो एंड जरूर हो रहे होते हैं। ठीक है, एंड इंटेंडेड टू प्रोवाइड अ यूनिक प्रोडक्ट और सर्विस। और जो भी हम प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं हम कोशिश कर रहे होते हैं कि वो एक यूनिक चीज हो लोगों के लिए, वो एक यूनिक सर्विस हो लोगों के लिए। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजेशंस कैन नॉट रन, ये मेन इसका पॉइंट है, ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट रन प्रोजेक्ट्स इन आइसोलेशन। जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना वो प्रोजेक्ट्स को आइसोलेशन में रन नहीं करती, आइसोलेशन में रन नहीं करती। ठीक है, क्यों? आइसोलेशन क्या, आइसोलेशन बोलते हैं अलहदगी में। ठीक है, इफ अ प्रोजेक्ट मैनेजर लीड प्रोजेक्ट्स, मतलब कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर कुछ प्रोजेक्ट्स को लीड कर रहा है। ठीक है, इन आइसोलेशन अलहदगी में, मतलब कि प्रोजेक्ट मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन में किसी एक प्रोजेक्ट को आइसोलेशन पर चला रहा है, अलहदा से लीड कर रहा है। इट इज अनलाइकली दैट दोस प्रोजेक्ट्स एवर इट टू सर्व द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कि तो फिर ये ऐसा नहीं होगा कि वो वाले प्रोजेक्ट जो कि आइसोलेशन में रन हो रहे हैं, जो कि अलहदगी में रन हो रहे हैं, ठीक है, वो वाले प्रोजेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को सही मानों में मीट नहीं करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन की वर्थ को सही मानों में नहीं लेके चलेगी, ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को सही मानों में परफॉर्म नहीं कर रही होंगी। ठीक है, सो देयर फोर प्रोजेक्ट्स मस्ट ऑपरेट इन अ ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरमेंट। ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट प्लेस में लेके आने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरमेंट में ऑपरेट करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरमेंट में ऑपरेट किया जाता है। एंड प्रोजेक्ट मैनेजर्स नीड टू कंसिडर प्रोजेक्ट्स विद इन द ग्रेटर ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट। आइसोलेशन की बजाय एक ऑर्गेनाइजेशन किसी एक प्रोजेक्ट को मतलब कि कर रही है और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट में उसका पता ही नहीं है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की नीड को पूरा नहीं करेगी। टू बैलेंस इन मार्केट प्लेस, ये जरूरी है कि उस प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइजेशनल ब्रॉडर ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट पर ऑपरेट किया जाए। ठीक है, यानी कि एक प्रोजेक्ट को अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर रही है तो वो आइसोलेशन में नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि COVID-19 की तरह हम इसको आइसोलेशन में नहीं रखेंगे, हम उसको ब्रॉडर ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट में अगर परफॉर्म करेंगे तो देन ये एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को पूरा कर रहा होगा। ठीक है, अगर तो हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ रहे तो तब हमने क्या करना है, टू हैंडल कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इफेक्टिवली प्रोजेक्ट मैनेजर नीड टू टेक अ होलिस्टिक व्यू ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब कि डिटेल व्यू ऑफ द प्रोजेक्ट एंड अंडरस्टैंड हाउ इट रिलेट टू द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। मतलब के प्रोजेक्ट का होलिस्टिक व्यू का मतलब ये है कि प्रोजेक्ट का एक कंप्लीट खाका जो है मतलब वो रिप्रेजेंट करना है। ठीक है,
और उसको मुतारिफ करवाना है, रिलेट करना है उसको लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट के साथ। इस बात को समझिए मेरी, होलिस्टिक क्या होता है? नहीं सर, ये रिपीट कर दे, समझ नहीं आई। देखें यहां पर कहा जा रहा है कि जो एक तो बात होगी ना हमारी कि हमने अपने प्रोजेक्ट को एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम लेके चल रहे हैं तो अपने प्रोजेक्ट को आइसोलेशन में ऑपरेट नहीं करवाना, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रोजेक्ट को आइसोलेशन में ऑपरेट नहीं करवाती, ठीक है। अगर उसको हमने इफेक्टिवली परफॉर्म करवाना है तो उसको हमने एक ब्रॉडर ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट में करवाना है, ठीक है। मेरी बात को समझ रहे हैं? सर मतलब ऑर्गेनाइजेशन में नहीं करना, करवाना अलग से करवाना है हमने नहीं, अपने प्रोजेक्ट को। अलग से नहीं करवाना, यही तो मैं कह रहा हूं। एक ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट रन देयर प्रोजेक्ट्स इन आइसोलेशन, उसको ब्रॉडर ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट में करना है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी उसके अंदर इन्वॉल्व हो, मतलब कि उसको ब्रॉडर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर। फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन है वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, वो एट द सेम टाइम आइसोलेशन में एक ही प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रही, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पैरेलली चल रहे होते हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में, और वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट प्लेस में कंपीट कर रहे होते हैं, मतलब कि ग्रेटर ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में। हम अगर होलिस्टिक की बात करें ना, होलिस्टिक को बोलते हैं ओवरऑल पिक्चर, ओवरऑल व्यू, ठीक है, ऑफ द प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं ना वो एक प्रोजेक्ट का ओवरऑल व्यू। आप देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक से ज्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो उनके हर प्रोजेक्ट के अलग अलग से प्रोजेक्ट मैनेजर भी होंगे, हर प्रोजेक्ट का ना एक अलग प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। तो जो कि ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट, जो ब्रॉडर ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट है उसके नॉर्म्स के मुताबिक काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं होलिस्टिक व्यू की बात करूं तो ये ओवरऑल पिक्चर की बात कर रहा हूं कि एक प्रोजेक्ट की ओवरऑल पिक्चर उस प्रोजेक्ट के मैनेजर जो होते हैं उनके पास क्लियर होती है, एंड अंडरस्टैंड हाउ इट रिलेट टू द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, और किस तरह उन्होंने अपने इस प्रोजेक्ट को लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में मुतारिफ करवाना है, रिलेट करना है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर नीड टू यूज सिस्टम्स थिंकिंग दैट डिस्क्राइब द होलिस्टिक व्यू ऑफ कैरिंग आउट प्रोजेक्ट्स विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। होलिस्टिक व्यू का दोबारा सुन लें, इट इज द ब्रॉडर पिक्चर, या हम कहते हैं ना कि इस पूरे पैराग्राफ को पढ़कर आपके माइंड में एक पिक्चर क्या आती है, तो मतलब कि एक डिटेल्ड पिक्चर प्रोजेक्ट की हमने रिलेट करनी है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट। ओके सर, क्लियर है। ये थोड़ा सा ना, थोड़ा सा मतलब इस समय खुश्क सा है यहाँ से, कि बस एक माइंड में चीज रखिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आइसोलेशन में रन नहीं होते, ये ब्रॉडर ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट में रन किए जाते हैं, और जो प्रोडक्ट मैनेजर्स होते हैं उनके पास एक खाका होता है, एक पिक्चर व्यू होता है उस प्रोडक्ट के बारे में, और वो अपने उस प्रोडक्ट को रिलेट करता है विद ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट। बस ये पैराग्राफ आपको चीज बता रही। ओके ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। कहते हैं जी टर्म सिस्टम अप्रोच। अब ये एक सिस्टम अप्रोच की हमने यहाँ पे बात की है कि सिस्टम थिंकिंग दैट डिस्क्राइब द, मतलब कि सिस्टम अप्रोच है क्या, सिस्टम थिंकिंग है क्या। सिस्टम अप्रोच इमर्ज इन 1950s टू डिस्क्राइब अ होलिस्टिक एंड एनालिटिक अप्रोच टू सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। अब बात यहाँ पर आ गई कि सिस्टम जो अप्रोच है, यानी कि सिस्टम जो थिंकिंग है, इसको बेसिकली 1950s में डिस्क्राइब किया गया कि जो ब्रॉडर आपके पास किसी भी प्रॉब्लम का व्यू है, किसी भी प्रोजेक्ट का व्यू है जो का कॉम्प्लेक्स है उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, यूजिंग सिस्टम्स फिलॉसफी। चार चीजों को यूज करके, सॉरी तीन चीजों को यूज करके, सिस्टम्स फिलॉसफी, यानी कि सिस्टम अप्रोच के अंदर तीन चीजें आती हैं, सिस्टम्स फिलॉसफी, सिस्टम्स एनालिसिस, एंड लास्ट वन इज सिस्टम्स मैनेजमेंट, ठीक है। यानी कि इन तीन चीजों से हम एक प्रोजेक्ट का होलिस्टिक और एनालिटिकल व्यू देख सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। होलिस्टिक की के वर्ड पे नहीं जाना, आप यहां पर यूज कर सकते हैं डिस्क्राइब अ ब्रॉडर पिक्चर ऑफ अ व्यू, ठीक है, अ बिग पिक्चर एंड एनालिटिकल अप्रोच ऑफ सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो एक आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, एनालाइज करते हैं चीजों को, एक ब्रॉडर पिक्चर अपने माइंड में बनाते हैं, इट इज होलिस्टिक व्यू। और इनको करने के लिए तीन हम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं जो कि सिस्टम अप्रोच पर के अंदर आते हैं, सिस्टम्स फिलॉसफी, सिस्टम्स एनालिसिस एंड सिस्टम्स मैनेजमेंट। ओके, सो व्हाट इज सिस्टम फिलॉसफी? हमने पहले सिस्टम फिलॉसफी को अंडरस्टैंड करना है। तो इट इज एन ओवरऑल मॉडल ऑफ थिंकिंग, ये सारे का सारा थिंकिंग का मॉडल है अबाउट थिंग्स एंड सिस्टम्स, एज सिस्टम, चीजों को एक सिस्टम के तौर पर मुतारफ कराना। ठीक है, ऐसा मॉडल जो कि मुख्तलिफ चीजों को एक सिस्टम के तौर पर लेता है। सिस्टम्स आर सेट ऑफ इंटरेक्टिव कंपोनेंट्स वर्किंग विद इन एनवायरनमेंट टू फुलफिल सम पर्पस। अब सिस्टम्स क्या है? सिस्टम्स बेसिकली कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि किसी एनवायरनमेंट में परफॉर्म किए जा रहे हैं किसी खास पर्पस को पूरा करने के लिए, टू फुलफिल सम पर्पस। ठीक है, सिस्टम्स आर सम इंटरेक्टिव कंपोनेंट्स दैट आर वर्किंग विद इन एन एनवायरनमेंट टू फुलफिल द सम पर्पस। अब यहां से एग्जांपल से आपको समझ आएगी। फॉर एग्जांपल, अ ह्यूमन बॉडी, जो ये इंसानी बॉडी है, इज अ सिस्टम कंपोज्ड ऑफ मेनी सब सिस्टम्स। एक ऐसा सिस्टम है जो कि बहुत ज्यादा सब सिस्टम पर मुश्तमिल हो रहा है। इंसान की बॉडी में बहुत ज्यादा सब सिस्टम्स हैं। ओवरऑल एक बॉडी सिस्टम है, उसके अंदर सब सिस्टम कौन से हैं? ब्रेन सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एंड सो ऑन। इसी तरह से एक हमारे पास सिस्टम के अंदर डिफरेंट इंटरेक्टिव जो कंपोनेंट काम कर रहे होते हैं वो एज ए सब सिस्टम काम कर रहे होते हैं। ओके, समझ आया? इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमारे पास बेसिकली जो सिस्टम फिलॉसफी कहलाती है कि एक सिस्टम के अंदर जो सब कंपोनेंट काम कर रहे होते हैं। एंड देन सिस्टम एनालिसिस, इट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। सिस्टम एनालिसिस इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, ठीक है, दैट रिक्वायर डिफाइनिंग द स्कोप ऑफ द सिस्टम। तो जब हम किसी भी सिस्टम को एनालाइज करते हैं तो बेसिकली उस सिस्टम के स्कोप को बता रहा होता है कि सिस्टम का स्कोप क्या होगा। ठीक है, मतलब कि ये कहां तक चलेगा, इन फ्यूचर इसकी क्या डिमांड है। तो डिवाइडिंग इट इनटू इट्स कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स की फॉर्म में डिवाइड कर देना सिस्टम को, एंड देन आइडेंटिफाइंग एंड इवैल्यूएटिंग इट्स प्रॉब्लम्स। मतलब कि उसको कंपोनेंट में डिवाइड करके फिर देखना उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या है, कंस्ट्रेंट्स क्या है, नीड्स क्या है इसमें। ठीक है, द एनालिस्ट देन एग्जामाइंस द अल्टरनेटिव सॉल्यूशन फॉर इंप्रूविंग द करंट सिचुएशन। फिर जो जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, आइडेंटिफाई एन ऑप्टिमम, उन सॉल्यूशन में से सबसे बेस्ट कौन सा है, ऑप्टिमम कौन सा है, और एटलीस्ट सेटिस्फैक्ट्री, या फिर जो जिस पर लोग सेटिस्फैक्ट्री फील करें वो वाला सॉल्यूशन, वो वाला प्लान, उसमें से एग्जामाइन करना। ठीक है, तो बेसिकली इट इज सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम एनालिसिस में आ जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, किस हमारे सिस्टम की अप्रोच क्या है, उसको कंपोनेंट्स में डिवाइड करके देखना उसमें प्रॉब्लम्स क्या है, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स हैं, और इनकी नीड्स, ठीक है, इसमें आ जाती है। समझ आ गई आपको कि सिस्टम एनालिसिस क्या होता है? यस सर। जी सर, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है सिस्टम मैनेजमेंट। सिस्टम मैनेजमेंट में क्या होता है? दैट एड्रेसेस विद बिजनेस, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज, बिजनेस रिलेटेड इश्यूज, टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड इश्यूज एंड ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज को मैनेज किया जाता है सिस्टम मैनेजमेंट में विद मेकिंग अ चेंज टू अ सिस्टम। ठीक है ना, मतलब कि सिस्टम के अंदर अगर कोई चेंज करनी है, बिजनेस के रिलेटेड चेंज है, टेक्नोलॉजिकल कोई चेंज है, या कोई ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज को चेंज करना है, को एड्रेस करना है, तो दैट इट इज, ठीक है, कॉल्ड सिस्टम मैनेजमेंट। सो यहाँ पर एक नोट आता है हमारे पास, यूजिंग अ सिस्टम अप्रोच, जो ऊपर हम बात करके आए हैं सिस्टम अप्रोच, ठीक है, यूजिंग अ सिस्टम अप्रोच इज क्रिटिकल टू सक्सेस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। क्या सिस्टम अप्रोच जरूरी है एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए? कहता है टॉप मैनेजर्स एंड प्रोजेक्ट मैनेजर्स मस्ट फॉलो अ सिस्टम फिलॉसफी टू अंडरस्टैंड हाउ प्रोजेक्ट रिलेट टू द होल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो आपकी सिस्टम फिलॉसफी है ये कब यूज होती है? ये बेसिकली जब हमने अपने अंडरस्टैंड करना है कि किस तरह से एक प्रोजेक्ट पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेट कर रहा है। ठीक है, ऊपर बात की थी ना कि आइसोलेशन में प्रोजेक्ट को हमें नहीं चलाना, उसको ब्रॉडर ऑर्गेनाइजेशन के टर्म में रिलेट करना है, तो वो सिस्टम फिलॉसफी में ये काम हो रहा होता है। ठीक है, एंड दे मस्ट यूज सिस्टम एनालिसिस। उसके बाद सिस्टम एनालिसिस आ जाता है, सिस्टम एनालिसिस टू एड्रेस नीड विद द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। हमने देखा कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है। एंड दे मस्ट यूज सिस्टम मैनेजमेंट, और फिर ये सिस्टम एनालिसिस बाद में सिस्टम मैनेजमेंट को यूज करते हैं।
ठीक है, टू आइडेंटिफाई की बिजनेस टेक्नोलॉजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एंड सर्टिफाई द की स्टेक होल्डर्स को, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए, फिर वो उन इश्यूज को एड्रेस करते हैं, जहां पर चेंज रिक्वायर्ड होती है उनको चेंज करते हैं। बेसिकली इस पैराग्राफ के अंदर इन तीनों चीजों को कंबाइनली बता दिया गया है, फिलॉसफी को, एनालिसिस को और मैनेजमेंट को। ओके, अब ये जो पैराग्राफ आपको समराइज फॉर्म में बता रहा है कि तीनों चीजें क्या कह रही हैं। ओके जी सर, ओके, इट्स क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है, देयर आर थ्री स्फीयर मॉडल फॉर सिस्टम मैनेजमेंट। सिस्टम मैनेजमेंट के लिए हमारे पास एक थ्री स्फीयर मॉडल होता है। थ्री स्फीयर मॉडल फॉर सिस्टम मैनेजमेंट डील्स, यानी कि सिस्टम मैनेजमेंट में ये चीज आ रही है। अब ये सिस्टम मैनेजमेंट हमने लास्ट पढ़ा ना, इसमें हम किस तरह से चेंज करते हैं, क्या चीजें होती हैं, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। थ्री स्फीयर मॉडल बोलते हैं जिसके अंदर बिजनेस आ जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट आ जाते हैं। तीनों एस्पेक्ट की बात की थी ना हमने, बिजनेस, टेक्नोलॉजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल। अब ये इसको हमने क्या दिया, इट इज थ्री स्फीयर मॉडल फॉर सिस्टम मैनेजमेंट है, एंड इश्यूज रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट, और कौन कौन से इश्यूज आते हैं इसके अंदर, ठीक है, ओके, और किस तरह से उनको मैनेज करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे बिजनेस की। सो अ प्रोजेक्ट शुड सप्लीमेंट आर सर्व एज एन आंसर टू द बिजनेस गोल्स। बेसिकली यही होता है ना, बिजनेस गोल का आंसर करने के लिए, बिजनेस गोल को अचीव करने के लिए ही हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। यही बता रहा है कि प्रोजेक्ट शुड सप्लीमेंट और सर्व एज एन आंसर टू द बिजनेस गोल्स। अब इसमें इश्यूज क्या है, व्हाट विल द प्रोजेक्ट कॉस्ट, व्हाट विल द प्रोजेक्ट कॉस्ट द कंपनी, ठीक है, एक कंपनी प्रोजेक्ट पर कितनी कॉस्ट लगाएगी, व्हाट वुड बी द इंपैक्ट ऑफ द वेबसाइट टू सेल्स ऑफ द मैगजीन। मैगजीन को सेल करने के लिए जो वेबसाइट है उसका इंपैक्ट क्या होगा, व्हाट वुड बी कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द होल सिस्टम फॉर द वेबसाइट। Mean to say that कि इन इश्यूज को मेट किया जाता है बिजनेस लेवल पर, कि कास्ट कितनी लगेगी, क्या इम्पैक्ट होगा वगैरह वगैरह, ठीक है, इनको डील किया जाता है। सो टेक्नोलॉजी, अब ये सेकंड बात आ गई हमारे पास। अब टेक्नोलॉजी क्या, टेक्नोलॉजिकल स्फीयर शुड स्टेट द प्रॉपर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इश्यूज। टेक्नोलॉजी से ये चीज आ रही है, हार्डवेयर रिलेटेड इश्यूज को रिजोल्व किया जाता है। अब व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि उस प्रोजेक्ट में ये तो होगी ना, क्या कॉस्ट होगी, क्या इंपैक्ट होगा वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिक्वायर्ड, सर्वर कौन सा यूज करेंगे, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन सी यूज होगी, डेटाबेस सिस्टम कौन सा यूज होगा, डज करंट नेटवर्क सेटअप अलाउ एम्प्लॉइज टू डेवलप द प्रोजेक्ट। जो नेटवर्क सिस्टम यूज किया जा रहा है वो अलाउ करेगा या उसको फर्दर अपग्रेड किया जा सकता है, ठीक है। एंड व्हाट विल बी द सर्वर एंड डेस्कटॉप स्पेसिफिकेशंस, सर्वर क्या होगा, उसकी डेस्कटॉप स्पेसिफिकेशंस क्या होंगी, ये चीजें टेक्नोलॉजी में आ जाएंगी, ठीक है। और यानी कि टेक्नोलॉजी में इन इश्यूज को मेट किया जाएगा। आगे आ रही बात ऑर्गेनाइजेशन, जो कि थर्ड हमारे पास है, एज फॉर ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट मैटर्स इन्वॉल्विंग द स्टेक होल्डर शुड बी टेकन इनटू फुल कंसीडरेशन। अब यहाँ पर स्टेक होल्डर्स की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, ठीक है। स्टेक होल्डर कौन होते हैं, वो लोग जो कि इंटरनली और एक्सटर्नली आपके प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं। नीचे इसी लेक्चर में हम स्टेक होल्डर की भी डेफिनेशन को इंशाल्लाह पढ़ने वाले हैं। So, ये क्या करता है, डू वी हैव द एग्जिस्टिंग मैन पावर टू डेवलप द प्रोजेक्ट। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर देखा जाता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोग हैं, ऐसी फैकल्टी, इतने लोग हमारे पास हैं कि वो इस किस्म का प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज द हायर मैनेजमेंट सपोर्ट रिक्वायर्ड, इसके लिए हायर मैनेजमेंट सपोर्ट कौन सी रिक्वायर्ड होगी। डू वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या हमारे पास इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करने के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। एंड इफ द प्रोजेक्ट मैनेजर वुड बी एबल टू पॉइंट आउट as early as possible the aforementioned issues, जो यहाँ पर issue mention किए गए हैं, and integrate it to the project, it would definitely aid in determining the organization should. हाँ, यहाँ पर main बात यह बताई जा रही है कि अगर तो हम project manager को early time पे, यानी कि जल्दी से select कर लें कि इस purpose के लिए ये वाला project manager best रहेगा, तो then it will be easy to next कंप्लीट अवर प्रोजेक्ट इफेक्टिवली। उसके अंदर क्या क्या इन्वेस्ट होगा, किस तरीके से लेकर चलेंगे, तो प्रोजेक्ट मैनेजर की हेल्प से ये काम जल्दी से कंप्लीट किया जा सकता है। ओके, इसकी अब ब्लॉक डायग्राम है वो आपको दिखाता हूँ। दिस इज थ्री स्फीयर मॉडल, बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशनल एंड टेक्नोलॉजी। ये एक किसी और कॉन्टेक्स्ट में बताया जा रहा है, इश्यूज बताए जा रहे हैं। अब व्हाट विल द लैपटॉप प्रोजेक्ट कॉस्ट, ये बिजनेस लेवल में
कास्ट क्या होगी, स्टूडेंट कितनी पर कितनी कास्ट आएगी या स्पोर्ट पर कितनी कास्ट आएगी, इस तरह के इश्यूज बिजनेस लेवल पर देखे जाते हैं और टेक्नोलॉजी लेवल पर हार्डवेयर वगैरह देखा जाता है, सर्वर वगैरह देखा जाता है, नेटवर्क रिसोर्सेज देखे जाते हैं कौन से यूज होंगे, और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर हम देखते हैं स्टेक होल्डर्स को, ठीक है, या किस तरह से स्टाफ को ट्रेन करना है, कौन सा स्टाफ किस पर्पज के लिए चाहिए होगा, क्या हमारे पास इतने लोग अवेलेबल है उस वो वाले काम करने के लिए वगैरह वगैरह। तो ये बेसिकली हमारा थ्री स्फीयर मॉडल कहलाता है फॉर सिस्टम मैनेजमेंट। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें। ये सर क्लियर है? नो क्वेश्चन? सर मेरा तो क्लियर है, बाकी स्टूडेंट्स अगर किसी का क्वेश्चन है तो कांडली वो पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं फिर। ये रीडिंग कीजिएगा, एक्चुअली इसको रीड आउट कीजिएगा और ये हाईलाइट करते जाइएगा, जहां से इशू होगा वो हम दोबारा भी इंशाल्लाह उसके ऊपर बात कर सकते हैं, ठीक है ना? ओके, सो इन ऑर्डर टू, अब हम बात करने जा रहे हैं अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मतलब नेक्स्ट हमारा जो है अपने हमने थोड़ा सा ना बेस की तरफ जा रहे हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड कर, इन ऑर्डर टू इंप्रूव द सक्सेस रेट ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स के सक्सेस रेट को जो है वो बेहतर बनाने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर टू डेवलप द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए ये जरूरी होता है कि वो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे कि लोग कैसे हैं, ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, क्या इसमें लोग काम करने वाले इफेक्टिवली काम करेंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कैन बी व्यूड एज हैविंग फोर डिफरेंट फ्रेम्स, तो प्रोजेक्ट मैनेजर इन चार फ्रेम्स को यूज करके ऑर्गेनाइजेशन को देखेगा, स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, ह्यूमन रिसोर्सेज के लिहाज से, पॉलिटिकल लिहाज से और सिम्बोलिक लिहाज से, ठीक है। अब इन चारों को हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल को अंडरस्टैंड करने के लिए ये चार हमारे पास फ्रेम्स किस तरह से वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। सो स्ट्रक्चरल फ्रेम क्या होता है, इट डील्स विद हाउ ऑर्गेनाइजेशन इज स्ट्रक्चर्ड। तो स्ट्रक्चरल फ्रेम में हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से स्ट्रक्चर्ड है, यूजुअली डिपिक्टेड इन एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट क्या है, सीईओ कौन सा है इसका, सीईओ के अंदर फर्दर इसकी जो बॉडीज होती हैं वो कौन कौन सी हैं, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट यानी कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। एंड फोकसेस ऑन डिफरेंट ग्रुप रोल्स, मुस्लिम लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है, इन ऑर्डर टू मीट द गोल्स, ताकि उनसे उनके रिलेटेड काम लिया जाए। एंड पॉलिसीज सेट बाय टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट ने इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्या पॉलिसी सेट की गई है, ठीक है। ओके, दिस फ्रेम इज वेरी रेशनल एंड फोकसेस ऑन कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो ये बहुत ज्यादा, मतलब कि वैसे तो ये फ्रेम अलग-अलग लोगों की, हर एक बंदे की अलग-अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, लेकिन ये मतलब कि स्ट्रक्चरल फ्रेम के अंदर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल होता है, मतलब कि मुख्तलिफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रखने वाले लोग जो है आपस में कोऑर्डिनेशन करते हैं, एक दूसरे को कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे होते हैं। लाइक अ मैनेजर ने भी किसी को रिस्पॉन्ड करना है ना, ठीक है, या फिर एक सुपरिटेंडेंट है उसने भी किसी को रिस्पॉन्ड, मतलब कि हर बंदा अपने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को किसी के सामने जवाब दे है। ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चरल चार्ट या स्ट्रक्चरल फ्रेम, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स फ्रेम, इट फोकसेस ऑन प्रोड्यूसिंग हार्मनी, हार्मनी बेसिकली एग्रीमेंट को कहते हैं, इट फोकस ऑन एग्रीमेंट बिटवीन द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द नीड्स ऑफ द पीपल, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए और लोगों की क्या जरूरियात, हम दोनों के दरमियान एग्रीमेंट के लिए ये रिसोर्सेज चाहिए, इस काम के लिए ये वाले लोग चाहिए, लोगों की ये जरूरियात है, मतलब कि प्रोजेक्ट मैनेजर ये चीज रिप्रेजेंट करेगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन में फ्लां प्रोजेक्ट के लिए मुझे इतने लोग चाहिए, इसमें मतलब कि डिवेलपर इतने चाहिए, डिजाइनर इतने चाहिए, फ्लां वाले बंदे, स्पेसिफिकेशन वाले बंदे इतने चाहिए। तो इंपॉर्टेंट इश्यूज इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू द ह्यूमन रिसोर्स फ्रेम इज द शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्कर्स, मतलब कि यहाँ पर एक इशू होता है कि हमारे पास स्किल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्कर कम होते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड अनरियलिस्टिक स्केड्यूल इम्पोज ऑन मैनी प्रोजेक्ट्स। इसी वजह से, इनकी शॉर्टेज की वजह से, कि जो हमारे पास स्किल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्कर्स कम होने की वजह से, जो हमारे पास हमारे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के स्केड्यूल्ड है, जो टाइम मैनेजमेंट है वो थोड़ी सी अप डाउन हो जाती है, अनरियलिस्टिक स्केड्यूल बन जाते हैं। ओके, ये
टोटली इजी है, जस्ट रीड करें और इसको अंडरस्टैंड करें. देन पॉलिटिकल फ्रेम, ये यहाँ पर आपको लास्ट लेक्चर में भी आपने पूछा था पॉलिटिकल इश्यूज क्या होते हैं, पॉलिटिकल फ्रेम क्या हो सकते हैं, उनको देखा जाएगा. द पॉलिटिकल फ्रेम एड्रेसेस ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल पॉलिटिक्स. एक देखिए ना, अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर एक सीईओ है, फिर उसके कुछ सेक्रेटरीज हो सकते हैं, आगे कुछ प्रोजेक्ट मैनेजर्स हो सकते हैं, ठीक है, टीम लीडर हो सकते हैं, उनके दरमियान जेलसी वाला एक फैक्टर भी पाया जा सकता है, जो कि जिसको ये पर्सनल पॉलिटिक्स में जो आता है. एक बंदा चाहता है कि मैं गुडविल में आऊं, या मेरे पास ये चीजें हों, या मैं इस सेंस में आऊं. एक बंदा चाहता है मेरे पास ज्यादा वो, मतलब कि मैं बॉस की नजरों में ज्यादा अपनी गुडविल बना लूं वगैरह वगैरह. मतलब कि ये पॉलिटिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन में चल रही होती है. आप छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन भी देखें, उसमें भी ग्रुपिंग होती है. ऑर्गेनाइजेशन को छोड़े आप अपनी क्लास को देख लें, तो क्लासरूम में भी मुख्तलिफ पॉलिटिक्स चल रही होती है. किसी का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ होता है, किसी का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ होता है, ग्रुपिंग हुई होती है ना. इट इज जस्ट लाइक पर्सनल पॉलिटिक्स. एक ऑर्गेनाइजेशन में भी ये काम चल रहा होता है. सो पॉलिटिक्स इन ऑर्गेनाइजेशंस टेक द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स, लोगों के दरमियान, वो जो ग्रुप बने होते हैं उनके दरमियान, फॉर पावर एंड लीडरशिप, कि मेरी ज्यादा पावर हो, या लीडरशिप के लिए कि मुझे लीडरशिप मिल जाए, या प्रोजेक्ट मैनेजर मुझे बना दिया जाए, या टीम लीड मुझे बना दिया जाए, वगैरह वगैरह. ओके जी सर. अगर आफ्टर 40 मिनट्स लेक्चर एंड होता है ना, तो आपने दोबारा फोरन ज्वाइन कर लेना है. ओके सर. ओके, तो ये बात होगी. प्रोजेक्ट मैनेजर मस्ट पे अटेंशन. अब देखो ये कहता है प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होता है कि वो थोड़ी सी अटेंशन पे करे पॉलिटिक्स पर भी, एंड पावर इफ दे आर टू बी इफेक्टेड. ठीक है, मतलब कि और उसके ऊपर फोकस करे, उसके ऊपर भी थोड़ी सी तवज्जो करे कि अगर वो आपके प्रोजेक्ट पर इफेक्ट कर सकती है तो. ठीक है, मतलब कि इट इज इम्पोर्टेंट टू नो हु अपोजिज योर प्रोजेक्ट्स एज वेल एज हु सपोर्ट्स देम. यानी कि उसको पता होना चाहिए कि पॉलिटिक्स क्या चल रही है, कौन कौन बंदा इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट है, कौन कौन बंदा चाहता है कि ये प्रोजेक्ट बन जाए. यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजर के अगेंस्ट कौन कौन सा बंदा है, यार ये बंदा प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं होना चाहिए था, या इससे ये काम प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, ये इसको नहीं, इसको रोल्स मिलना चाहिए था. ठीक है, या ये काम इसके लिए ज्यादा सूटेबल था. तो प्रोजेक्ट मैनेजर को पता होना चाहिए कौन कौन से लोग जो हैं, मतलब के इसके अगेंस्ट हैं, कौन कौन से लोग इस प्रोजेक्ट के साथ हैं. तो उसको अगर इस पॉलिटिक की समझ आ जाएगी, तो देन वो चूज उन लोगों का करेगा अपनी टीम के अंदर जो प्रोजेक्ट करेंगे, जो कि उस प्रोजेक्ट की वेल वर्ड्स में आ रहे हैं कि ये वाले प्रोजेक्ट होने चाहिए. ठीक है ना, तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर के पास ये वाली स्किल होनी चाहिए कि वो पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करे. इट इज इम्पोर्टेंट टू नो हु अपोजिस एंड योर प्रोजेक्ट एंड एज वेल एज हु सपोर्ट्स देम. इम्पोर्टेंट इश्यूज इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू द पॉलिटिकल फ्रेम आर पावर शिफ्ट्स फ्रॉम सेंट्रल फंक्शन टू ऑपरेटिंग यूनिट्स ऑफ आर फ्रॉम फंक्शनल मैनेजर टू. अब ये देखें, कहता सबसे इंपॉर्टेंट इशू बोला क्या है किसी भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कहता है पॉलिटिकल फ्रेम, कि पावर का शिफ्ट होना, कि अब ये बंदा प्रोजेक्ट मैनेजर था तो अब ये है, अब पहले से ये बंदा फंक्शनल ये काम कर रहा था अब ये कर रहा है, अब मैनेजर पहले फलां था तो अब प्रोजेक्ट मैनेजर फलां है. तो ये चीजें बड़ी इफेक्ट करती हैं. ठीक है, तो ये चीजें मतलब के प्रोजेक्ट्स की सक्सेसफुलनेस पर भी बड़ा रोल प्ले कर रही होती है. लास्ट वन इज सिम्बोलिक, ये कल्चर में आ जाता है. सिंबोलिक फ्रेम फोकसेस ऑन सिंबल्स एंड मीनिंग्स. सिंबल्स एंड मीनिंग्स क्या होते हैं, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट एनी इवेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी इवेंट होता है, उसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है. ठीक है, दैट इज नॉट व्हाट एक्चुअली हैपेंड, जो कि नहीं होनी चाहिए, बट व्हाट इट मीन्स, और उसका क्या मतलब है. वॉज इट गुड साइन दैट द सीईओ केम टू किक ऑफ मीटिंग फॉर अ प्रोजेक्ट. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ अपनी मीटिंग को किक ऑफ करके चला जाता है, क्या ये एक अच्छी चीज होगी, या एक ये थ्रेट होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए. द सिंबोलिक फ्रेम आल्सो रिलेट्स द कंपनीज कल्चर, कि कंपनी का कल्चर कैसा है. ठीक है ना, ओवरऑल इस सिंबोलिक फ्रेम का मतलब ये है कि कंपनी का कल्चर कैसा है, वहां के लोग कैसे हैं, सीईओ क्या मीटिंग्स को के अंदर मतलब के थ्रेट दे के चला जाता है, या लोगों को वो थ्रेट पे रखता है. ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन के जो इवेंट है उसके अंदर कैसी कैसी चीजें होनी चाहिए, कल्चर कैसा है वहाँ का. ठीक है, हाउ डू पीपल ड्रेस, लोगों का ड्रेस कैसा होता है वहाँ पे, हाउ पीपल आर्स डू देयर वर्क,
लोग अपने मतलब कि जो आर्ली वर्क कैसे करते हैं, कितने एक घंटे में काम लोग करते हैं, हाउ डू दे रन मीटिंग्स, वो मीटिंग उनकी कैसी होती है. मेरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स आर इंटरनेशनल एंड इंक्लूड स्टेक होल्डर्स फ्रॉम वेरियस कल्चर्स. कुछ मीटिंग्स इंटरनेशनल होती हैं और मुख्तलिफ कंपनीज और मुख्तलिफ वर्ल्ड वाइड एरिया से स्टेक होल्डर इन्वॉल्व कर रहे होते हैं. अंडरस्टैंडिंग दोज कल्चर इज ऑल्सो अ क्रूशियल पार्ट फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजर. प्रोजेक्ट मैनेजर ने उस कल्चर को जहन में रखना होता है. ठीक है, तो ये था हमारे पास सिम्बोलिक फ्रेम. तो दीज आर फोर फ्रेम्स किस पर्पज के लिए, टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन. देखो ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए उसका स्ट्रक्चर भी समझना पड़ता है कि कौन से लोग हैं, कौन किस किसके पास कौन सा ओहदा है. ठीक है, फिर उनके लोगों की क्या क्या मतलब कि कौन कौन से स्किलफुल लोग हैं, स्किल्ड पर्सन कौन कौन से हैं, किस पर्पज के लिए किसको लगाना है, पॉलिटिक्स क्या क्या अंदर हो रही है, कल्चर को अंडरस्टैंड करना. दिस इज फोर मेन पिलर्स टू अंडरस्टैंड एनी ऑर्गेनाइजेशन हु आर परफॉर्मिंग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स. ओके, एंड द लास्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स. मैनी डिस्कशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. अब ये प्योरली स्ट्रक्चर पे बात आ गई. थ्री जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के ऊपर तीन जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है, फंक्शनल, प्रोजेक्ट एंड मैट्रिक्स. ठीक है, ये बेसिकली फिगर 2.2 में भी दिखाई गई है, उनको भी देखते हैं. सो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, कहता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज द हायरार्की मोस्ट पीपल थिंक ऑफ व्हेन पिक्चरिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट. ये अब प्योरली ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट के बारे में बात कर रहे हैं. कौन सा चार्ट, फंक्शनल मैनेजर कौन से हैं, वाइस प्रेसिडेंट इन स्पेशलिटीज कौन कौन से हैं, सच एज इंजीनियरिंग में कौन कौन से वाइस प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में कौन से हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कौन से हैं, ह्यूमन रिसोर्स कौन कौन से हैं, रिपोर्ट टू द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. ये सारे लोग इसको रिपोर्ट करते हैं सीईओ को. अब ये जो इसकी डायग्राम आपको दिखा दूंगी, देखें जो फंक्शनल हमारे पास होता है उसमें चार्ट आ जाता है. ये सीईओ है, सीईओ के अंडर ये वाला, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट इंजीनियरिंग का है, वाइस प्रेसिडेंट मैन्युफैक्चरिंग का है, आईटी का वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का है, आगे उनके अंदर डिपार्टमेंट स्टाफ आ जाता है. तो ये फंक्शनल चार्ट हो जाएगा. ठीक है, आगे आ जाए प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ये क्या होता है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल, ये तो हो गया ना ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शनल स्ट्रक्चर. अब प्रोजेक्ट का एक अलग से स्ट्रक्चर होगा. प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आल्सो हैज अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर, बट इंस्टेड ऑफ फंक्शनल मैनेजर्स आर वाइस प्रेसिडेंट्स रिपोर्टिंग टू द सीईओ, प्रोजेक्ट मैनेजर रिपोर्ट टू द सीईओ. क्योंकि वो प्रोजेक्ट है ना, तो वहां पर प्रोग्राम मैनेजर रिपोर्ट कर रहा होता है सीईओ को. एक प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं. सो देयर स्टाफ हैव वैरायटी ऑफ स्किल्स नीडेड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट्स विद इन देयर प्रोग्राम्स. ठीक है, वो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो स्किलफुल पर्सन विद इन टाइम कंप्लीट करेंगे. सो मैट्रिक, अब यहां पर देख ले प्रोजेक्ट के अंदर क्या आ गया. प्रोजेक्ट मैनेजर, ये सीईओ है, प्रोजेक्ट मैनेजर ए, एक प्रोजेक्ट है उसका अलग से मैनेजर है, दूसरा प्रोजेक्ट है उसका अलग से मैनेजर है, और तीन प्रोजेक्ट है उसका अलग से मैनेजर है. तो ये सारे के सारे इस सीईओ के अंदर हो रहे हैं. ठीक है, सीईओ इधर भी है इधर भी है, हर डिपार्टमेंट का अलग, लेकिन ये प्रोजेक्ट चार्ट अलग से बना दिया जाता है. अब मैट्रिक्स की अगर बात की जाए, अब मैट्रिक्स सीईओ भी तो फिर हर जो है इसका ऑर्गेनाइजेशन का अलग से होगा ना, फंक्शनल का अलग से होगा, प्रोजेक्ट का अलग से, और ऑर्गेनाइजेशन मैट्रिक्स का अलग से. सीईओ तो एक होता है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का. okay. सीईओ तो एक होता है ना. अब उस सीईओ ने मुख्तलिफ मैनेजर्स को, मुख्तलिफ लोगों को डील करना है. प्रोजेक्ट मैनेजर ने भी उसको रिस्पोंड करना है, इंजीनियर्स वालों ने भी उसको, हर बंदे ने उसको रिस्पोंड करना है. ये सीईओ वही है, एक ही पर्सन है वो तीनों जो है ऑर्गेनाइजेशन से स्ट्रक्चर. फंक्शनल स्ट्रक्चर लेना हो जाता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर में बहुत सारे डिपार्टमेंट का ओवरऑल आ जाता है. अब इन डिपार्टमेंट्स के अंदर प्रोजेक्ट्स चल रहे हो सकते हैं ना, उन प्रोजेक्ट मैनेजर ने आगे जाके भी इनको जो है ना वो सीईओ को रिपोर्ट करना होता है. ये मोस्टली ये भी हो सकता है कि ये जो वाइस प्रेसिडेंट है इस फंक्शनल के लिए, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए वो सीईओ. ठीक है ना, फंक्शनल स्ट्रक्चर में वाइस प्रेसिडेंट है, लेकिन नीचे किसी प्रोजेक्ट के लिए ये बंदा सीईओ एज ए सीईओ काम कर रहा हो, और आगे वो इस डिपार्टमेंट का जो सीईओ है उसने ओवरऑल पूरी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ को रिपोर्ट करना हो, तो ये भी एक सिनेरियो आ सकता है. सर मैं यही तो क्वेश्चन कर रही थी कि सीईओ डिफरेंट होंगे हर मतलब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के, या एक ही सीईओ होगा जो तीनों को हैंडल करेगा. ओवरऑल ओवरऑल जो ब्रॉड टर्म में सीईओ एक ही होता है, लेकिन लेकिन जो नेक्स्ट आगे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स है ना, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन को सब क्लासिफाइड कर दिया जाता है कि इंजीनियरिंग
डिपार्टमेंट का सीईओ ये बंदा है जी, ये इंजीनियरिंग लाइन को डील कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग को ये बंदा डील कर रहा है, ठीक है, आईटी को ये बंदा डील कर रहा है, ह्यूमन रिसोर्स को ये बंदा डील कर रहा है। लेकिन अगर ब्रॉडर टर्म में देखा जाए तो एक ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ वो एज ए होल पूरी फंक्शनल चीजों को डील कर रहा होता है। मतलब डिफरेंट भी होंगे और एक पर्सन भी होगा जो उन सबको भी मैनेज करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो अ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द मिडल ग्राउंड बिटवीन फंक्शनल एंड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, यानी कि फंक्शनल और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में मिडल ग्राउंड का रोल प्ले कर रहा होता है ये मैट्रिक्स। कैसे? पर्सनल ऑफन रिपोर्ट टू द बोथ फंक्शनल मैनेजर एंड वन आर मोर प्रोजेक्ट मैनेजर। तो जो लोग होते हैं ना अक्सर रिपोर्ट कर रहे होते हैं फंक्शनल मैनेजर को भी और एक या एक से ज्यादा प्रोजेक्ट मैनेजर को भी। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ से समझिएगा आप, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर्सनल, कोई बंदा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, एट मैनी कंपनीज ऑफन स्प्लिट देयर टाइम बिटवीन टू आर मोर प्रोजेक्ट्स। मतलब एक ही बंदा जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है वो एक या एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है, बट दे रिपोर्ट टू देयर मैनेजर, वो अपने मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। तो प्रोजेक्ट मैनेजर इन मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन हैव स्टाफ फ्रॉम वेरियस फंक्शनल एरियाज। अब देखें एक जो प्रोजेक्ट होता है उस प्रोजेक्ट में सिर्फ आईटी वाले बंदे तो नहीं ना होते, उसको कोई इंजीनियरिंग का बंदा भी चाहिए, कोई मैन्युफैक्चरिंग का बंदा भी चाहिए, कोई उसको आईटी का बंदा। ओके, तो ये मैट्रिक्स की बात हो रही थी, कहते हैं कि अब एक आईटी का जो बंदा है वो मुख्तलिफ जगहों पर काम कर सकता है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा होगा, तो उसने हर डिपार्टमेंट में हर जगह पर उसके रिलेटेड मैनेजर को रिस्पॉन्ड करना है। सो द प्रोजेक्ट मैनेजर इन मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन हैव स्टाफ फ्रॉम वेरियस फंक्शनल एरियाज वर्किंग ऑन देयर प्रोजेक्ट्स, जो कि उनके प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं। एज शोन इन फिगर 2, तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर कैन बी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, वीक हो सकता है या बैलेंस्ड हो सकता है, ठीक है, बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ कंट्रोल एक्सर्टेड बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर। तो यानी कि किस जगह पर ज्यादा प्रोजेक्ट मैनेजर अपनी जो है वो फोर्स लगा रहा है, अपनी अटेंशन कहाँ पर ज्यादा पे कर रहा है, उसकी वजह से स्ट्रॉन्ग वीक और बैलेंस्ड होगा। ये देखें ये मैट्रिक्स, सीईओ है, प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, ठीक है, ये अब इंजीनियर, ये सारी चीजें आ गई है, सारे डिपार्टमेंट आ गए, प्रोजेक्ट मैनेजर्स आ गए। अब ये प्रोजेक्ट ए है, अब इस प्रोजेक्ट को करने के लिए दो इंजीनियर चाहिए, उसको एक मैन्युफैक्चरिंग का बंदा चाहिए और आई टी के इतने बंदे चाहिए और एच आर के इतने चाहिए। अब ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन की इन्वॉल्वमेंट होगी ना पूरी, या आइसोलेशन में तो नहीं ना हुआ। अब इस ऑर्गेनाइजेशन में दूसरा प्रोजेक्ट कुछ चल रहा है, उसका प्रोजेक्ट मैनेजर ये बंदा है कोई, उसको पांच इंजीनियर्स डिपार्टमेंट से बंदे चाहिए, दो उसको तीन मैन्युफैक्चरिंग में से चाहिए, ठीक है, और दस उसको आईटी के बंदे चाहिए। इस तरह से ये मैट्रिक्स बन रहा होता है। दिस इज द थर्ड पार्ट, मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रोजेक्ट मैनेजर ए में। एक्सक्यूज मी सर, जी जी, प्रोजेक्ट मैनेजर ए में जो हमने स्टाफ में लिखा हुआ है 3:1/2 IT person का क्या मतलब होगा? मतलब कि IT 1/2 the person जितना IT staff है ना उसका इतना हिस्सा चाहिए, ठीक है ना, इस तरह आप ले सकते हैं। मतलब जो IT staff means मतलब उसका 3.5 उसको part जो है ना वो IT department का staff use कर रहा है, ठीक है ना? Okay. यहाँ तक क्लियर आपको? अब ये बेसिकली जो टेबल है इसी चीज को समराइज कर रहा है, वीक बैलेंस्ड और स्ट्रॉन्ग को, ठीक है। अब ये बता रहा है कि टेबल 2.1 समराइज हाउ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंसेस द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर्स एंड प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैव द मोस्ट अथॉरिटी इन प्योर प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड द लीस्ट अमाउंट ऑफ अथॉरिटी इन प्योर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर की बहुत ज्यादा अथॉरिटी होती है, कहाँ पर बहुत कम। इट इज इंपॉर्टेंट दैट प्रोजेक्ट मैनेजर अंडरस्टैंड द करंट स्ट्रक्चर अंडर विच दे आर वर्किंग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजर अथॉरिटी, फंक्शनल में उसकी लिटल या नन इतनी अथॉरिटी नहीं होती, वीक में बहुत लिमिटेड अथॉरिटी होती है, मैट्रिक्स बैलेंस में उसकी लो या मॉडरेट अथॉरिटी होती है, स्ट्रॉन्ग में हाई, ठीक है। तो प्रोजेक्ट लेवल पे फुल अथॉरिटी प्रोजेक्ट मैनेजर की होती है। तो इस तरह से डिफरेंट रोल्स बता दिए गए और उसमें क्या क्या अथॉरिटीज होती है किस किस लेवल तक, ठीक है। ये बेसिकली आपको टेबल बता रहे हैं, ठीक है। परसेंट ऑफ परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल असाइन फुल टाइम टू द प्रोजेक्ट, ठीक है, फुल टाइम प्रोजेक्ट में फंक्शनल में वर्चुअली नॉन कोई भी ऐसा बंदा नहीं होता जो कि फुल टाइम परफॉर्म कर रहा होता है। वीकली में
कुछ परसेंट होते हैं जो कि फुल टाइम काम कर रहे होते हैं, सारे नहीं कर रहे होते, ठीक है। 15-60% लोग बैलेंस में काम कर रहे होते हैं, स्ट्रॉन्ग में 50-95%, मतलब कि ये बैलेंस्ड में लोग इस तरह से काम कर रहे होते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर रोल क्या होता है इधर, फंक्शनल में पार्ट टाइम होता है प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल, वीक में पार्ट टाइम होता है, बैलेंस में फुल टाइम होता है, स्ट्रॉन्ग में फुल टाइम होता है, इस तरह से ये बेसिकली रोल्स बताए जा रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजर्स। तो ये इधर यहाँ पर इस पैराग्राफ को आप रीड आउट कीजिएगा, इधर इसी चीज को बताया गया कि इवन द प्रोजेक्ट मैनेजर हैव द मोस्ट अथॉरिटी इन द प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफन इनएफिशिएंट फॉर कंपनी एज ए होल, असाइनिंग स्टाफ फुल टाइम टू द प्रोजेक्ट ऑफन क्रिएट अंडर यूटिलाइजेशन एंड मिस एलोकेशन ऑफ स्टाफ रिसोर्सेज। अगर हम फुल टाइम एक स्टाफ को कहीं पर अलॉट कर देंगे ना, तो वो अंडर यूटिलाइजेशन हो सकती है। इसी एग्जांपल क्या है, फॉर अगर हमने किसी जगह पर एक बंदे को फुल टाइम फिक्स किया हुआ है, अगर एक टेक्निकल राइटर है उसको एक फुल टाइम प्रोजेक्ट में असाइन कर दिया है, बट देर इज नो वर्क फॉर हिम आर हर ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी खास दिन में आगे उसके लिए कोई काम ही नहीं है, तो ऑर्गेनाइजेशन इज वेस्टिंग मनी बाय पेइंग दैट पर्सन अ फुल टाइम वेज। तो फुल टाइम में उसको वो पैसे पे करके वेस्ट कर रही है। तो अगर वो पार्ट टाइम कर रहा है तो जब जहां स्लॉट बनेगी वो वहां पर अपनी सर्विसेज दे रहा होगा। एंड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के बारे में ऊपर भी बात करके आए हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को यहाँ पर शॉर्टली अगेन बताया गया कि अजम्पशन वैल्यूज बिहेवियर एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर कैसा है, उनकी वैल्यूज कैसी है, उनकी अजम्पशन, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में आ जाती है। मैनी एक्सपर्ट बिलीव द अंडरलाइन कॉज ऑफ मैनी कंपनीज प्रॉब्लम्स आर नॉट स्ट्रक्चर और स्टाफ बट द कल्चर, कल्चर भी प्रॉब्लम की बन रहा होता है। ओके जी, यहाँ तक कर ले आज फिर, ठीक है। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट से नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम, और नेक्स्ट लेक्चर भी अभी आपका ये मैं आपको इंशाल्लाह शेयर कर देता हूँ, तो आपने इसको रीड करना है थॉरली, मतलब कि ये चीजें मैंने स्लाइड्स भी इसकी मेरे पास थी लेकिन उसमें बहुत शॉर्ट था, लाइक एक एक तो उसकी डिटेल अंदर एग्जांपल्स कुछ नहीं थी, ये वाली डायग्राम्स नहीं थी, तो वो आपको फिर अंडरस्टैंडिंग में इशू होना था, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको ना थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड किया है ताकि आप रीड करें और आप चीजों को समझ सकें। ओके जी, इंशाल्लाह आपसे बात होगी कल, अपना ख्याल रखिएगा और सब लोग दुआ कीजिएगा। थोड़ी सी दादी अम्मा है मेरी, उनकी तबीयत कुछ सही नहीं है, उनका ऑपरेट हुआ है, एजड है थोड़ी सी, बड़ों का कहते हैं ना साया हमेशा रहना चाहिए घरों में, तो उसके लिए आप लोग थोड़ी सी दुआ कीजिएगा। एक्चुअली सारी रात में उनके पास ही था हॉस्पिटल में, तो मैं कल रात से सोया नहीं अभी तक, और आपके लेक्चर्स का भी मेरे माइंड में था, अभी मैं सुबह 10-11 बजे ही आया हॉस्पिटल से, तो अभी मेरे रेस्ट का टाइम स्टार्ट होगा, तो आपने उनके लिए दुआ करनी है, अल्लाह ताला उनको सेहत दें, तंदुरुस्ती दें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह कल तक इसको रीड कीजिएगा, कल बात होगी आपसे।